बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्जा कप्स। ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। ये बच्चों के पार्टीज में बनाया जा सकता है इजीली। ये बाहर से बहुत क्रिस्प रहता है और अंदर से बहुत ही चीजी। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। पिज़्ज़ा कप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग रेडी कर लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, इसको हमने बीज निकाल दिया है, हाफ कटोरी पनीर डाइस किया हुआ, स्वीट कॉर्न थोड़ा सा मैंने बॉईल करके रखा था तो उसमें से वो थोड़ा सा डाल देंगे, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, आप कलरफुल भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमें थोड़ा ही मिलाना है क्योंकि जो पिज्जा सॉस हम इसमें डालने वाले हैं उसमें भी नमक रहता है, इसीलिए अब हम इसमें मिला लेंगे पिज्जा सॉस। अब हम इसमें थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग भी मिला लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो चीज हमने ग्रेट करके रखा था उसमें से थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, बाकी चीज हम उस टॉपिंग के लिए रख लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको मिक्स करके रेडी कर लिया है तो अब हम ब्रेड से पिज्जा कप बनाने के लिए उसको रेडी कर लेते हैं। ब्रेड कप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड ले लेंगे और उसको थोड़ा सा बेल लेंगे बेलन से, इस तरीके से ऐसे ऐसे इसको बेल के थोड़ा सा पतला कर लेंगे और फिर उसको हम किसी भी चीज से गोल ऐसे कट कर लेंगे। जैसे मैंने कट कर दिया है इस ग्लास से, आपके पास अगर कुकी कटर है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम सारे ब्रेड्स को ऐसे ऐसे इस शेप में कट कर लेंगे छोटा छोटा। ब्रेड कप्स बनाने के लिए मैंने ऐसे कट करके रेडी कर लिया है। मैंने ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड दोनों यूज किया है। अगर आपको जो पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। जो ये कटिंग्स बच गई है इसको फेंकिए मत, इसको आप रोस्ट करके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं किसी और डिश या कटलेट्स वगैरह बनाने में। कट किया है, इसमें बटर लगा देंगे और इसको अपे पैन में फिक्स कर देंगे। ऐसे इसमें एक साइड पे बटर लगा लेना है अच्छे से। यह हमने इसमें एक साइड पूरा अच्छे से बटर लगा दिया है तो अब हम इसको जिस साइड बटर लगाया है वो साइड नीचे की तरफ रख के ऐसे इसको अपे पैन में फिक्स कर देंगे। ऐसे ही हम सारे कप्स को रेडी कर लेंगे। हमने सारे ब्रेड्स में बटर लगा के अपे पैन में फिक्स कर लिया है। अब हम उसमें फिलिंग डाल देंगे। हमने सारी फिलिंग्स इसमें फिल कर दिया है तो अब हम ऊपर से इसको चीज से गार्निश कर देते हैं। ये अप्पे के बर्तन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब मीडियम फ्लेम करके इसको ढक के थोड़ी देर पका लेंगे जिससे कि चीज मेल्ट हो जाए। तो इसे अच्छे से ढक के पकाना है थोड़ी देर। अब इसको पकते हुए एक दो मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं चीज मेल्ट हो गया है और ये इतने अच्छे से बन भी गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं चीज कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है एंड ये भी कितने अच्छे से ब्राउन हो गया है ब्रेड पे पक के। तो अब हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। कप्स रेडी है सर्व करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाहर से देखिए कितना क्रिस्पी बना है और एक चीज भी एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है, बहुत झटपट बन जाते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी है। मेरे बच्चे को तो ये बहुत पसंद है, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर देखिए मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है और कितना अच्छा लगेगा खाने में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फूडी दिल एंड share this video with your friends. Thank you.